हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। हमें क्या क्या गया है, प्रूफ दैट द डिटर्मिनेंट। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स वन कॉस थीटा वन एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। हमें प्रूफ क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो मेरे पास इक्वेशन आएगी उसमें थीटा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, लेट मैं गिवन डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लेता हूँ। मेरे पास क्या है, एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स वन कॉस थीटा वन एक्स। ठीक है जी। सो अब हम इसे कहते हैं एक्सपेंड बाय रो वन, एक्सपेंड y रो वन में से एक्सपेंड कर लेता हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू अब एक्सपेंड बाय रो वन। ठीक है, सो x साइन थीटा कॉस थीटा के अकॉर्डिंग में से एक्सपेंड कर दूंगा। तो हम साइंस कैंसिल लेते हैं, हमने एक डायरेक्ट मेथड देखा था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आप इनमें से किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वो सेट ऑफ साइंस हम यूज़ कर लेंगे। जैसे हम x के साथ मैं क्या यूज करूँगा, पॉजिटिव। सो x, अब जिस रो में x है वो रो डिलीट और जिस कॉलम में x है वो कॉलम डिलीट। तो मेरे पास क्या बच गया, यही सिर्फ। सो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी हम लेफ्ट से राइट वर्ड अपवर्ड जाएंगे माइनस साइन साथ लेके जाएंगे। सो वन इंटू वन सो माइनस वन। इसी तरह से अब साइन कौन सा लेना है, साइन थीटा के साथ माइनस, सो माइनस साइन थीटा। अब जिसमें साइन थीटा है वो रो डिलीट वो कॉलम डिलीट। सो माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स साइन थीटा। ऊपर जाएंगे तो माइनस साइन साथ लेके जाएंगे, कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। फिर हम कौन सा साइन लेंगे, प्लस प्लस कॉस थीटा। अब जिसमें कॉस थीटा वो रो डिलीट और वो कॉलम डिलीट। तो मेरे पास अब क्या रह जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा जी। क्लियर। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, सो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस एक्स साइन थीटा, सो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, सो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इधर देख लेते हैं, सो प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो मेरे पास क्या माइनस साइन थीटा आगे लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब सेम प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसमें फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये टर्म मेरे पास पॉजिटिव है, ये टर्म मेरे पास नेगेटिव है। सो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म कैंसिल आउट। सिर्फ अब इन दो टर्म्स से मैं एक्स कॉमन ले लूँ, इन दो टर्म्स से अब मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास व्हाट आई एम लेफ्ट विद, माइनस एक्स क्यूब प्लस। ठीक है, अब यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये टर्म भी है माइनस एक्स। अब इनमें से मैं दो टर्म में से एक्स कॉमन ले लेता हूँ, एक्स मेरे पास क्या बच गया, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, अब हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसकी कुलता है, वन के। सो आई कैन राइट माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू वन। यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ कर ली। तो आप फर्दर देख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस एस, तो ये भी कैंसिल आउट, माइनस एक्स और प्लस एक्स भी मेरा कैंसिल आउट हो गया। सो आई एम लेफ्ट विद डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, ओनली डेल्टा इज इक्वल माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सो दिस इज आवर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट।
कि हमें एक्सपेंड नहीं करना विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे ऑफ डिटर्मिनेंट्स का. प्रूफ डैट मेरी लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट इक्वल टू राइट हैंड डिटर्मिनेंट की इक्वल प्रूफ करना है. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सो मैं करता हूँ लेट, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इज इक्वल टू डेल्टा. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए ए स्क्वेयर बी सी, बी बी स्क्वेयर सी ए, सी सी स्क्वेयर ए बी. ठीक है, सो अब जैसे ही हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि कोई रिलेशन या कोई सिमेट्री ढूंढ सके. ठीक है, अब आप रो वन मेरे पास क्या है, ए ए स्क्वेयर बी सी. अब रो वन में मेरे पास ए मिसिंग है तो ये ए बी सी बन जाएगा. इसी तरह से अब रो टू देखते हैं, मेरे पास क्या है, बी बी स्क्वेयर सी ए, यहाँ पे बी मिसिंग है तो ये भी ए बी सी बन जाएगा. इस तरह रो थ्री में सी सी स्क्वेयर ए बी, यहाँ पे सी मिसिंग है, अगर यहाँ पे सी लगा दें तो ये भी ए बी सी बन जाएगा. सो मेरे पास कॉलम थ्री ठीक है आइडेंटिकल बन जाएगा, जिससे मैं ए बी सी को कॉमन आउट लूंगा तो मेरे पास वन वन बन जाएगा. ठीक है जी, सो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मल्टीप्लाई रो वन कॉमा रो टू एंड रो थ्री बाय, रो वन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ ए बी सी बन जाए ए कॉमा रो टू को बी से बी एंड सी. ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, आर वन पहले है, इधर क्या है मेरे पास ए, तो ये से मल्टीप्लाई होगा, आर टू सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है बी, तो बी, आर सी लास्ट में है तो सी लास्ट में है, सो मल्टीप्लाई थ्री. अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा. ठीक है जी, सो एंड डिवाइडेड बाय डिवाइडेड द डिटर्मिनेंट, डिवाइडेड द डिटर्मिनेंट बाय ए बी सी. देखिए अगर मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रो वन रो टू और रो थ्री को, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी चेंज होगी. सो उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट को ए बी सी. सो इसे देख लेते हैं, लेट अब वन बाय ए बी सी मैं डिवाइड भी करूँगा, और रो वन को ए से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, ए स्क्वेयर ए क्यूब ए बी सी. इस तरह रो टू को बी के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो बी स्क्वेयर बी क्यूब ए बी सी. मल्टीप्लीकेशन में हम डिजर्ट्स आगे पीछे कर सकते हैं, सो वैल्यू हमारी सेम रहती है. इसी तरह से रो थ्री को सी से, सी स्क्वेयर सी क्यूब ए बी सी. ठीक है, अब मैं ए बी सी कॉमन ले लूँगा. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम कॉलम थ्री. ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी कॉमन आ गया, सो यहाँ पे भी ए बी सी डिवाइड में भी था, सो ये कैंसिल आउट होके वन आ जाएगा. सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वेयर ए क्यूब वन, बी स्क्वेयर बी क्यूब वन, सी स्क्वेयर सी क्यूब वन. अब साथ साथ में हम हमारी राइट हैंड साइड भी देखते हैं. सो डिजिट्स तो मेरे पास, और ये आप कह सकते हैं एलिमेंट्स तो सेम आ गए, बट इनकी पोजीशन डिफरेंट है. ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ पोजीशंस को चेंज करना है. ठीक है, बाकी सारा काम हमारा हो गया, सिर्फ पोजीशंस को चेंज करना है. सो पोजीशंस को चेंज करना स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी टू. ठीक है, बाय यूजिंग हम अपनी प्रॉपर्टी टू को यूज करेंगे. ठीक है, सो प्रॉपर्टी टू क्या कहती है, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट आल्सो चेंज. ठीक है, सो हम पहले कौन सा ऑपरेशन देख लेते हैं, मैं कॉलम वन को कॉलम थ्री के साथ इंटरचेंज कर देता हूँ. ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी में जहाँ देख लेते हैं, कॉलम वन को मैं कॉलम
3 के साथ इंटरचेंज करता हूँ. सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 2 साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा. सो डेल्टा इज इक्वल टू, सो पहले यहाँ पे डिटरमिनेंट मेरे पास पॉजिटिव था तो साइन चेंज हुआ तो नेगेटिव. ठीक है, जब हम ये ऑपरेशन करेंगे सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर. ठीक है जी. सो अब फिर हम अपनी राइट हैंड साइड देखते हैं. बस अब इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा. सो फिर हम क्या कहेंगे, अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी 2. मैं अगेन अगर प्रॉपर्टी 2 को यूज़ करूं तो प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, अगर डिटरमिनेंट की हम 2 रोज या 2 कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं द साइन ऑफ डिटरमिनेंट आल्सो चेंजेस. सो डेल्टा इज इक्वल नेगेटिव. ठीक है जी. सो फिर एक नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है जी, इनको इंटरचेंज करने पे मेरे पास फिर नेगेटिव आएगा, इसका साइन फिर चेंज हो जाएगा. सो नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास दोनों हो जाएंगे प्लस. ठीक है, वो लास्ट तक में देख लेंगे. सो कॉलम 1 को तो हमने छेड़ना नहीं है. सो हमने यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाया था, कॉलम 2 इंटरचेंज विद कॉलम 3. ठीक है, सो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब. ठीक है, सो ये मेरे किसके इक्वल आ गया, हमारा राइट हैंड के साथ. सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये बन जाएंगे पॉजिटिव. सो डेल्टा इज इक्वल टू दिस थिंग, ये हमारे किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के. हैंस प्रूफ्ड, हैंस हमने प्रूफ कर दिया माई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज का थर्ड सम देखते हैं. इसमें मुझे एक डिटरमिनेंट गिवन है हैविंग ऑर्डर 3 × 3. तो मुझे यहाँ क्या कहा गया है इवेल्यूएट करने के लिए. सो स्टार्ट करते हैं. मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, इसे मैंने इवेल्यूएट करना है. सो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं. लेट मैं गिवन डिटरमिनेंट को डेल्टा मान लेता हूँ. सो अब हम एक्सपेंड बाय रो 1, एक्सपेंड बाय रो 1. ठीक है, हम इसे एक्सपेंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रो 1. हमें मालूम है हम साइन कौन से लेंगे जब एक्सपेंड करेंगे रो 1, प्लस माइनस प्लस. रो 1 के एलिमेंट्स के साथ हम ये साइंस ले लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सो डेल्टा इज इक्वल टू, सो पहले प्लस का साइन लेना है. सो प्लस कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा इनटू, अब जिसमें ये मेरा एलिमेंट है वो रो डिलीट वो कॉलम डिलीट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस बीटा कॉस अल्फा. तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा कॉस बीटा. सो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू इंटू 0, तो ये 0 ही आ जाएगा, तो इसके लिखने की जरूरत नहीं है. अब सेकेंड एलिमेंट के साथ मैं कौन सा यूज़ करूँगा, माइनस माइनस यूज़ किया तो मेरे पास क्या है, कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक है, अब जिसमें ये एलिमेंट है वो रो डिलीट और वो कॉलम डिलीट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है. सो आगे देखते हैं. अब मेरे पास क्या बचा, साइन प्लस का ही लेना है. सो प्लस एलिमेंट कौन सा मेरा, माइनस साइन अल्फा. ठीक है, सो माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ पे स्पेस कमी हो रही है तो हम इसे देख लेते हैं इधर को. ठीक है, सो प्लस प्लस करके तो हम इधर देख लेते हैं. प्लस मेरे पास क्या रहा है, माइनस साइन अल्फा. ठीक है, अब इसके इसे देख लेते हैं. अब ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो मेरे पास क्या आ रहा है, साइन बीटा. सो माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा. ठीक है, जब भी हम लेफ्ट से राइट वर्ड अपवर्ड जाते हैं तो हम नेगेटिव साइन साथ लेके जाते हैं. सो माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा. ठीक है, सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं. तो मेरी फर्स्ट टर्म ये रही, सो डेल्टा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा. सेकेंड टर्म माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो गया,
सो पॉजिटिव साइन बीटा इंटू साइन बीटा स्केयर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा स्केयर. सो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्केयर बीटा कॉस स्केयर अल्फा. ठीक है, अब हमारे पास थर्ड टर्म बच गई, इसे सिंप्लीफाई करना है. तो इसे पहले हम स्केयर ब्रैकेट वाले टर्म को देख लेते हैं. ठीक है, सॉल्व करने से पहले सो प्लस माइनस साइन अल्फा अभी ऐसे लिख लेते हैं. सो पहले हम हमारी स्केयर ब्रैकेट को देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगी. सो अब इसमें भी मेरे पास साइन अल्फा है, ठीक है जी, और यहाँ पे भी मेरे पास साइन अल्फा है. तो अगर मैं नेगेटिव साइन अल्फा कॉमन आउट ले लूँ, नेगेटिव साइन अल्फा मैं कॉमन आउट ले लूँ, तो मेरे पास नेगेटिव साइन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा है, साइन बीटा इंटू साइन बीटा. सो मेरे पास क्या बचा, साइन स्केयर बीटा. तो यहाँ से भी हमने नेगेटिव साइन अल्फा कॉमन ले लिया, नेगेटिव भी और साइन अल्फा कॉमन ले, तो क्या बचा, पॉजिटिव कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, क्या बन गया, कॉस स्केयर बीटा. सो हमें मालूम है दिस इज माई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा, जिसकी वैल्यू होती है वन. सो वन, सो इधर देखते हैं हमारे पास सिर्फ क्या बचा, वन इंटू समथिंग, तो वही टर्म आ जाएगी. सो माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो पॉजिटिव साइन अल्फा स्केयर बन जाएगा. ठीक है, सो ऐसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, अब इस टर्म से देख लेते हैं मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, यस कॉस अल्फा और कॉस अल्फा मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो इन दो टर्म से मैं कॉस स्केयर अल्फा कॉमन आउट ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, कॉस स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा. ठीक है, तो ये प्लस हो गया मेरे पास, प्लस साइन स्केयर अल्फा. ठीक है, सो ये मेरे पास फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन गई, साइन भी प्लस में है कॉस भी प्लस में है, तो इसकी वैल्यू फिर वन हो जाएगी. ठीक है, सो ये वन हो गया, वन इन टू, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा. सो डेल्टा इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बच गया, कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा. ये मेरे पास फिर एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन गई, जिसकी वैल्यू क्या है, वन इज इक्वल टू वन. सो हम क्या कह सकते हैं, माई डेल्टा कम्स आउट टू बी वन, हमारा इवेल्यूएट हो गया डेल्टा. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. हमारे स्टेटमेंट में क्या गिवन है, इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड एक डिटर्मिनेंट दी हुई है ए बी सी में से, ठीक है जी, डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और एक कंडीशन भी दी हुई है इज इक्वल टू जीरो. ठीक है जी, एक डिटर्मिनेंट तो गिवन है हमें रियल नंबर ए बी सी में, तो एक कंडीशन भी दे दी कि इज इक्वल टू जीरो है, तो हमें क्या करना है, शो डैट इस कंडीशन को यूज करते हुए आइदर मेरा ए बी सी जीरो होगा और ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी. ठीक है, ए बी के इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा, ये आप कह सकते हैं सभी आपस में इक्वल होंगे ए बी सी. सो स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं. सो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट दी हुई है, अब इसको हम यूज कर लेते हैं. सो सोल्यूशन, अब इसे सॉल्व करने के लिए आप जब भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं हम ट्राई करते हैं हमें कि सिमेट्री और पैटर्न मिल जाए, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है बीच में हम इसको एक साथ सम अप करके उसे कॉमन आउट निकाल सकें. सो अगर आप देखें, ठीक है, कॉलम्स में और या रोस में, है ना, देखिए बी सी, कॉलम वन की बात करें बी सी है, तो मेरे पास कॉलम टू में भी बी सी है, कॉलम थ्री में भी बी सी है, बेशक पोजिशन डिफरेंट है, सी ए भी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, ए बी भी है, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है. ठीक है, सो कॉलम में मेरे पास एक सिमेट्री दिख रही है मुझे, इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि मेरी रोस में भी एक सिमेट्री आ रही है, जैसे रो वन में बी सी है, रो टू में बी सी है, रो थ्री में भी बी सी है, रो वन में सी ए है तो रो टू में भी सी ए है, रो थ्री में भी सी ए है. इस तरह ए बी मेरे पास रो वन में है, रो टू में भी है, रो थ्री में भी है. सो हम कॉलम्स में और रोस में किसी में भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ मैं रोस को चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6 मैं क्या करूँ, अप्लाइंग ऑपरेशन, ठीक है, अप्लाइंग ऑपरेशंस, ठीक है, किस में लगा रूँ, आर वन में, आर वन में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं सच डैट, ठीक, आर वन प्लस आर टू
प्लस आर थ्री, ठीक है। सो हम आर वन में ऑपरेशंस यूज करके, आर वन में मैं आर टू और आर थ्री को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन। सो देखिए, ए प्लस ए टू ए, बी प्लस बी टू बी, सी प्लस सी टू सी। सो मैं अगर टू को कॉमन ले लूँ सभी में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सेम वे से हमने सिमेट्री देख ली थी, तो सभी में मेरे पास टू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सो बाकी रोज को तो हमने कुछ भी नहीं चेंज किया, सो वो एज इट आ जाएंगी, सी ए ए बी बी सी, ए प्लस बी बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है। अब मैं टू ए प्लस बी सी को कॉमन ले लूँ फ्रॉम रोमन से, टेकिंग कॉमन टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी को मैं कॉमन ले लेता हूँ फ्रॉम रो वन से, ठीक है। सो डेल्टा की वैल्यू इज इक्वल टू टू ए बी सी कॉमन आ गया, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट में मेरे पास क्या बच गया रो वन में, वन वन वन, एंड सी प्लस ए रो टू में, ए प्लस बी बी प्लस सी, ए प्लस बी बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है। सो आफ्टर कॉमन आउट मेरे पास ये रिजल्ट बच गया। सो हमने इसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कि जब अब मैं इसे एक्सपेंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रो वन, बट हम ट्राई करते हैं कि हम एक्सपेंड उसके अकॉर्डिंग करें, उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग करें जिसमें मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। अगर यहाँ मैं एक ऑपरेशन और लगा के इसे और इसे ज़ीरो बना लूँ, तो मेरी एक्सपेंशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। सो वो ऑपरेशन देखते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम वन को कॉलम टू से माइनस और कॉलम वन को कॉलम थ्री से माइनस भी कर सकता हूँ। सो हम अप्लाई कर देते हैं अपने ऑपरेशंस, लाइक अब मैं क्या करूँगा, मैं कॉलम टू में ऑपरेशन अप्लाई करूँगा सच डैट कॉलम टू माइनस कॉलम वन एंड कॉलम थ्री में सच डैट कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन, ठीक है। सो मैं कॉलम वन से ही कॉलम टू और कॉलम थ्री को माइनस कर दूंगा, तो ये जीरो और ये टर्म जीरो आ जाएगी, फिर हमें आर वन के अलोंग एक्सपेंड करा लेंगे। सो इसे देखते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। सो अब ऑपरेशन देखते हैं, कॉलम वन तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, सो वैसे ही आ जाएगा वन सी प्लस ए ए प्लस बी, ठीक। एंड अब मैं इसे माइनस करूँगा, वन माइनस वन जीरो, तो मेरे पास कितना आ गया जीरो, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो ए कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी। इसी तरह से अब मेरे पास क्या आ जाएगा, सी माइनस ए, क्योंकि बी तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सी माइनस ए, तो यहाँ पे भी जीरो, वन से वन माइनस पर जीरो, सो यहाँ पे मेरा सी से सी कैंसिल, सो मेरे पास बी माइनस ए बी माइनस ए। सो सेम वे से ए कैंसिल सी माइनस बी सी माइनस बी, ठीक है। अब मैं इसे एक्सपेंड कर लूंगा विद बाय रो वन, एक्सपेंड एक्सपेंड बाय रो वन, ठीक है। अब मैं इसे एक्सपेंड करा लूंगा बाय रो वन, सो डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी सी ए प्लस बी बी प्लस सी, ठीक है। सो अब रो वन के साथ एक्सपेंड करा लेते हैं, सो वन इंटू, ठीक है, जिसमें वन है वो रो कैंसिल और वो कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या आएगा, बी माइनस सी सी माइनस बी, सो माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस सी माइनस ए बी माइनस ए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी माइनस ए। सो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू टू
ए प्लस बी प्लस सी, सो अप। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। बी सी माइनस सी बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी बी। यहाँ पे हम थोड़ा सा सिर्फ दोबारा देख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन मेरे पास c को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों से, सो बी सी माइनस सी स्केयर। अब माइनस b है सो माइनस बी स्केयर, माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस बी सी लिख लेते हैं सेम वे से। अभी माइनस हम यहीं पे रख लेते हैं, सो इन्हें अंदर मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। नीचे लिख लेते हैं, स्पेस कम हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आ रहा है सी बी माइनस ए बी। अब एक माइनस ए को माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। अब प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम यहाँ से रब करके आगे सम अप देख लेते हैं। अब हमने यहाँ तक इसे ड्राइव कर लिया था, सो हम इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो माय डेल्टा इज इक्वल टू टू ए प्लस बी प्लस सी। अब अंदर मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, तो मेरे पास आ गया बी सी माइनस सी स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी सी। अब इस नेगेटिव साइन को मैं इसके साथ सारी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस सी बी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्केयर। ठीक, सो अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है, बी सी सी बी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है सो पोजीशन मैटर नहीं करेगी, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये कैंसिल आउट हो गया। सो आई एम लेफ्ट विथ टू ए प्लस बी प्लस सी, सो माइनस सी स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी और माइनस ए स्केयर। ठीक, अब इस इक्वेशन से अगर मैं नेगेटिव साइन बाहर ले जाऊं, ठीक है, टेकिंग आउट नेगेटिव साइन, मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं और यह कहता हूं टेकिंग आउट नेगेटिव साइन। सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी, सो आई एम लेफ्ट विद हेयर, ये पॉजिटिव हो जाएगा सी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्केयर। ठीक है, सो इसे मैं रब कर देता हूँ। सो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, अब मैं 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो मेरे पास डेल्टा क्या रह जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी। सो अब मैं 2 अंदर ले जाता हूँ इसमें ब्रैकेट में, सो 2 सी स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी माइनस 2 ए बी माइनस 2 ए सी प्लस 2 ए स्क्वायर। ठीक है, सो अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, सो 2 सी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर एंड 2 ए स्क्वायर। सो प्लीज ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, सो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 ए स्क्वायर को, या देखिए 2 ए स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह मैं बी स्क्वायर को 2 बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ऐसे मैं 2 सी स्क्वायर को लिख सकता हूँ प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, बाकी टर्म एज इट, मेरे पास क्या है माइनस 2 बी सी माइनस 2 ए बी माइनस 2 ए सी। क्लियर, सो
अब आप देखिए हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, लाइक स्टार बना देते हैं इस पर दिस स्टार, और एक इसे कॉमन ले लेते हैं दिस स्टार, एंड ए बी है तो यहाँ पे ए बी मेरे पास क्या है, ये रहा दिस स्टार, ठीक है। सो इन्हें मैं एक साथ लिख सकता हूँ, सो प्लीज़ पास द वीडियो नोट इट डाउन, वहाँ से मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ इक्वेशन को, प्लीज़ पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। सो अब मैं इन स्टार्स को कॉम एक साथ लिख लूँ पहले, ठीक है। सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, टू ए बी, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ से मैं ए स्केयर लेट इट बी हैश, ठीक है, इसे भी बी को भी मैं हैश, ठीक है। सो ए बी, बी के साथ तो आएगा नहीं क्योंकि बी के साथ हो गया, सो लेट हैश ए स्केयर को देता हूँ, हैश सी स्केयर को दे देता हूँ, ठीक है, ए स्केयर हैश सी स्केयर हैश, और यहाँ पे जिसमें मेरे पास ए सी है, सो यहाँ पे मेरे पास टू ए सी है, सो इसे भी मैं हैश, ठीक है। अब मैं इन हैश वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ, प्लस ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस टू ए सी, ठीक है। अब मेरे पास कौन सी टर्म्स रहेगी, लेट इट बी बार ले लेते हैं इस पर, ठीक है, बी स्केयर बार सी स्केयर बार माइनस टू बी सी, ये बार। अब मैं बार सारी टर्म्स को लिख लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस बी स्केयर सी स्केयर बार वाला प्लस सी स्केयर माइनस टू बी सी माइनस टू बी सी, ठीक है। सो दिस आर माई टर्म्स, हमने कुछ नहीं किया, बस इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज करके लिख लिया। सो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, सो दिस फार्मूला कम्स आउट टू बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर, ठीक है। और ये कौन सा फार्मूला बन गया मेरे पास, प्लस ए माइनस सी का होल स्केयर, प्लस ये कौन सा फार्मूला बन गया, माई बी माइनस सी का होल स्केयर, ठीक है। सो अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ये मेरी गिवन कंडीशन थी, तो हम यूज कर लेंगे इस चीज को। सो इसे मैं इक्वल रख लूंगा जीरो के, सो मैं क्या कह सकता हूँ, बाई गिवन कंडीशन को यूज करके ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस सी का होल स्केयर प्लस बी माइनस सी का होल स्केयर, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू जीरो, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, दिस कंडीशन इज गिवन कि माई डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, लेट इट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, ठीक है। सो दिस टर्म इक्वल टू जीरो आएगी और दिस टर्म इक्वल टू जीरो आ जाएगी, सो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, जब तो मेरी ये टर्म जीरो की इक्वल होगी तभी मेरी राइट हैंड साइड जीरो आएगी, और ठीक है ब्रैकेट में, और सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, मेरा ए माइनस बी स्केयर प्लस ए माइनस सी होल स्केयर प्लस बी माइनस सी होल स्केयर, या ये इक्वल टू जीरो हो तो भी इनका प्रोडक्ट मेरा जीरो हो जाएगा। सो शो डेट आइदर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, सो यहाँ से हम इजिली कैसे माइनस वाइन उधर जाएगा जीरो हो जाएगा, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी तरह से अब इधर तो ये टर्म इसे लेफ्ट हैंड साइड इसे राइट साइड दी, ये तभी पॉसिबल है कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आ जाए, मतलब जीरो की इक्वल आ जाए, ओनली इफ ओनली अगर मेरा ए बी की इक्वल होगा और बी मेरा सी की इक्वल होगा और सी मेरा ए की इक्वल होगा, अगर ये कंडीशन होगी तो ही मेरी अबव इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो वी हैव प्रूफ्ड, और हम कह सकते हैं शोड, ठीक है, वी शोड, हैंस वी शोड डैट, सो दिस इक्वेशन सेटिस्फाई तभी होगी
टू राइट हैंड साइड इफ दिस कंडीशन विल हैव. ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन.